गाइस, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडिया इन्फिनाइट में। मैं हूं इस वक्त उत्तराखंड के रामनगर में, जहां पे है बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हिमालय पहाड़ों के फुटहिल्स में बसा रामनगर एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा शहर है, जो कि बाय रोड और बाय रेल वेल कनेक्टेड है। आप दिल्ली से यहाँ डायरेक्ट बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने व्हीकल से यहाँ आना चाहते हैं तो वाया हल्द्वानी या काशीपुर होते हुए आप रामनगर आ सकते हैं। जिम कॉर्बेट की हमारी इस ट्रिप में हम स्टे करेंगे सीरेनिटी रिसोर्ट में, जो कि बना है कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकुली एरिया में। अगर आप एक लग्जोरियस, पीसफुल और काम स्टे की इच्छा रखते हैं तो कोसी नदी के किनारे बने इस रिसोर्ट में आप आ सकते हैं। रिनिटी रिसोर्ट यहाँ की जंगल एसेंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है और यहाँ स्टे करने का एक रात का चार्ज 4500 से 5000 तक होता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब टाइम है जंगल सफारी का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने के लिए 6 मेजर जोन्स हैं और इन जोन्स के नाम हैं ढेकाला, झिरना, ढेला, बिजरानी, दुर्गा देवी और गर्जिया। जीप से जंगल सफारी करने का चार्ज 5500 रुपये पर जीप है। इसके अलावा आप चाहें तो हाथी या फिर कैंटर से भी जंगल सफारी कर सकते हैं। 5500 रुपये के चार्ज के अलावा जिम कॉर्बेट में एक अलग से एंट्री फी भी लगती है, जिसका चार्ज 200 रुपये है। जंगल सफारी के लिए गाइड्स का होना अनिवार्य है और गाइड की फी सेपरेट है फीस से अलग। हम इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं जिम कॉर्बेट का गर्जिया जोन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिम कॉर्बेट एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन टाइगर्स के अलावा लंगूर, भालू, लेपर्ड, हाथी, चीतल, बार्किंग डियर और नीलगाय जैसे जानवर भी जिम कॉर्बेट में मिलते हैं। जिम कॉर्बेट में टाइगर की साइटिंग तो किस्मत का खेल है, लेकिन लंगूर और चीतल हिरण आपको बहुत देखने को मिलेंगे। जंगल में दौड़ लगाते चीतल हिरणों के झुंड देखने लायक हैं। हर साल फॉरेस्ट गार्ड जंगल में पुरानी घास को जला देते हैं, जिसके बाद उसमें नए नए कोंपले फूटने लगते हैं, जिसे ये चीतल हिरण और बंदर बड़े चाव से खाते हैं। तो इंटरेस्टिंगली ये जो चीतल हिरण है, ये इन टाइगर्स का मेन फूड है। इसलिए एक कोशिश की जा रही है यहाँ पे एक फूड चेन को बनाए रखने की। जगह जगह पेड़ के तनों पे टाइगर्स के पंजे के निशान आपको एहसास दिलाते हैं कि आप इस वक्त उनके घर में घूम रहे हैं। कुछ दूर चलने पे हमें बहुत सारी जीप्स खड़ी दिखाई देती हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ कुछ तो है जो सब लोग देख रहे हैं। बस फिर क्या, हम भी उसी ओर हो लिए जहाँ पे जीप्स खड़ी थी। और वहाँ हमें मिला एक बहुत ही बड़ा मेल तस्कर, जी हाँ, हाथी, जिसके बहुत बड़े बड़े दांत थे। और जब वो हाथी हमारी तरफ बढ़ने लगा तो सभी जिप्सियां रिवर्स मोड में दौड़ने लगी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस हाथी का एक दांत दूसरे टस्कर के साथ फाइट में टूट गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 600 से ज़्यादा बर्ड की प्रजातियां पाई जाती हैं और इसी वजह से बर्ड वाचर्स भी जिम कॉर्बेट में
अच्छी खासी तादाद में आते हैं। दिन ढलने के साथ साथ आसमान लाल होने लगा था और जंगल में रोशनी कम, और ये एक इशारा था अब समय हो गया है जिम कॉर्बेट के जंगल से बाहर निकलने का। जिम कॉर्बेट के गर्जिया जोन के पास है एक आस्था का केंद्र गिरजा देवी मंदिर, जो कि फेमस है गर्जिया के नाम से। अगर आप जिम कॉर्बेट आते हैं तो कोसी नदी के बीच में बने मां गिरिजा के इस चमत्कारी धाम में आना ना भूलें। कथाओं और मान्यताओं के अनुसार माता गिरिजा देवी का मंदिर बाढ़ में कहीं ऊपर के पर्वतीय क्षेत्र से बहकर आ रहा था। इसे भैरव देव ने देखा तो माता से यहाँ पर ही निवास करने का आग्रह किया, जिसे माता ने स्वीकार कर लिया। और तब से माता गिरिजा देवी कोसी नदी के बीचों बीच एक टीले के शिखर पे विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। रामनगर आस्था और एडवेंचर का एक रेयर कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए यह बन जाता है अ मस्ट विजिट प्लेस।